वेलकम टू एस एन चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बी डी गुरुकुल. इन लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसका कंसेप्ट दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है इसका कंसेप्ट दिए थे. आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ा रहे हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. यहाँ पर नोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. यहाँ पर ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट. बुकों में आप देखते हो तो लंबे चौड़े कहानी रहते हैं, और यहाँ पर लंबे चौड़े कहानी मुझे नहीं देखना है. यहाँ पर टू द पॉइंट आंसर निकालना है. ये सब टू मार्क्स थ्री मार्क्स. अब बेटा आपको समझ में नहीं आएगा तो छोटे से डेरिवेशन को भी खूब लंबा कर देते हो, समझ में आएगा तो बड़े को भी आप कॉन्साइज फॉर्म में लिख के आराम से कर सकते हो. अब इसी कड़ी में देख लो, यहाँ पर ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, और इस पर हमने चार्ज लिख दिया क्यू, और यहाँ से ये एक पॉइंट हमने पी ले लिया. पी पर हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड हेयर इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज वन, दैट इज हम क्यू नॉट यहाँ कंसिडर करते हैं. क्यू नॉट, यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. यूनिट चार्ज को वहां रखते हैं तब जो होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. अब इसी आधार पर आप जो निकालते हो, अकॉर्डिंग आप सबसे पहले यहाँ नोट कर देना द एस्केमेटिक. यहाँ ओ हमारा सेंटर हो गया, ये पी पॉइंट हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस हमने आर ले लिया. द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शॉन इन फिगर. द एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शॉन इन फिगर. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस एफ इक्वल टू, यहां पर फोर्स एफ लग रहे हैं, इसको फोर्स एफ इस तरह से लग रहा है, ये एफ फोर्स हो गया जो बाहर की ओर लग रहा है. यू नो दैट देयर इज ए रिपल्सन बिटवीन पॉजिटिव लाइक चार्जेस, दैट इज हेयर इज पॉजिटिव एंड हेयर इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो देयर इज रिपल्सन बिटवीन लाइक चार्जेज. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्सेज एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. यू नो दिस, हेयर Q1 इक्वल टू कैपिटल Q हमने लिखा, Q2 इक्वल टू Q0 हमने लिख दिया. यहाँ पर क्यू नॉट है, यहाँ पर क्यू है हमारे पास, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. अब यहाँ पर बुकों में रहते हैं कई सारे वेक्टर लगा देते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए तरह तरह के प्रॉब्लम्स में, तो आपको वेक्टर्स नहीं लगाना है और सिंपली क्या लिख देना है, अलोंग यहां लिख दो अलोंग ओ पी, ओ से पी की तरफ, बस हो गया वेक्टर, हमें साइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ा. अब यहां पर हम क्या जानते हैं, डिवाइडिंग बाय क्यू नॉट बोथ साइड्स वी गेट एफ इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू 1 बाय
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू क्यू नॉट। हमने क्यू नॉट से दोनों तरफ डिवाइड किए, यहाँ से ये क्यू नॉट कैंसिल हो गया, देन एफ अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। हेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एफ इज फोर्स, क्यू नॉट इज डिस्चार्ज। देन यू राइट हेयर ई इक्वल टू एफ वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इस तरह से हमने क्या किए, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, देखो इतने शॉर्ट में हम लिख दिए। अब आपका ये प्लस क्यू चार्ज है, इसने रिपेल किया, तो लंबा चौड़ा कहानी जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से आप डिराइव कर दिए। अब इसी में थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ो, यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तब कैसे लिखेंगे, अब आपकी मर्जी है, यहाँ तक तो आप निकाल के छोड़ दिए, अब इससे आगे हम चाहते हैं हम वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट करें। तो देख लो, इन वेक्टर फॉर्म ई के ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट यही लिखेंगे हम, क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर इंटू आर कैप। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा सेकंड हो गया। अब इसके आधार पर जैसे आप निकालते हो, देख लो बेटा यहां तक निकल गए, अब इसी आर से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब उसने कहा था हम काटने के लिए क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई जरूरत पड़ता है मल्टीप्लाई करके नया नया फॉर्म बनाने के लिए। तो अब इसी आधार पर देख लो, ई इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर इंटू आर कैप, ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बुकों में जो रहते हैं आपको कहेगा ये फॉर्मेट भी रहेगा, ये फॉर्मेट भी रहेगा, तो वहाँ पर घबराना नहीं, सर ने ये बताया नहीं, तो मैं इसलिए क्लैरिफाई कर देता हूँ। दिस इक्वल टू ई वेक्टर्स इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर्स। दिस इज थर्ड इक्वेशन। आप वेक्टर फॉर्म में जब लिखोगे तो इस तरह से आप शो कर दोगे। अब कभी कभी इसमें ग्राफ आ जाते हैं, ग्राफ शो करो, ग्राफ शो करते हैं तो हम क्या करते हैं, हेयर अगेन ई प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर। आपको कभी कभी ये हो गया ऊपर वाले के हिसाब से, और इसके हिसाब से डालेंगे तो वन बाय आर पावर थ्री। ये है ग्राफ जब बनाते बेटा, तो इसका ग्राफ आर इधर लिखते हो और ई की वैल्यू इधर लिख रहे हो आप, इसका ग्राफ ऐसे निकलेगा। इस तरह से आपके ग्राफ कर ले या जैसे भी रहे, इस तरह से आप आराम से बना सकते हो। अंडरस्टैंड बेटा, देख लो आपके वीडियो सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना, और ज्वाइन बटन ज्वाइन करो, जिससे कि आगे की क्लास नीट के या जेई के आपको मदद मिलते रहेंगे। थैंक यू।